बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रताप लेस में घुटने को थी और वो अपने बिखरे टूटे वजूद को समेट रही थी। इसने आज भी खिड़की के पास बैठकर आजान सुनी थी और कल की तरह आज भी बेतहाशा आंसू गिर रहे थे। वो बेदिली से उठी और अपने वार्ड बोर्ड में से कोई काबिले कबूल ड्रेस ढूंढने लगी। शलवार कमीज तो नहीं थी उसके पास। उसने बड़ी मुश्किल से खुला ट्राउजर और थोड़ी लॉन्ग सी खुली वाइट शर्ट निकाली और वॉशरूम में घुस गई। ठंडे पानी से शावर लिया। बहुत ज़्यादा रोने लगी। आंखों में बेइंतहा चुभन थी, लेकिन वहाँ परवाह किसको थी। शावर लेने के बाद इसने वजू करने की कोशिश की। वजू में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। उसे याद नहीं पड़ता था कि लास्ट टाइम उसने कब वजू किया था। वो छोटी सी थी तब बीबी जान ने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया और साथ वजू करना और नमाज पढ़ना भी सिखाया या था। वो आंखें बंद करके वजू करने का तरीका याद कर रही थी कि उसे याद ही नहीं आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से वजू किया। दिल में ये भी ख्याल था कि वजू सही किया है भी या नहीं। वजू करके रूम में आई। जानेमाज तो मौजूद ना थी और दुपट्टा भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि दुपट्टा उसने कभी पहना ही नहीं था। बहुत कोशिश के बाद जब दुपट्टा नहीं मिला तो उसने छोटी सी शॉल, जिसे सर्दियों में कंधों पर ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करती थी, वो ले ली और जाए नमाज की जगह बेडशीट ही निकाल कर बिछा ली और नमाज के लिए खड़ी हुई। तो समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ना क्या है। वो बेबसी से जाए नमाज पर बैठ गई और रोते हुए हाथ फैला लिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मांगे क्या कहे। बस आंसू ही आंसू आंखों से गिर रहे थे और कपड़े भिगो रहे थे, और फिर वो रोते हुए सजदे में गिर गई। कुछ टाइम बाद बहुत सारा रोने से थोड़ा सुकून सा मिला, थोड़ी राहत सी मिली, और बेशक सजदों में ही सुकून मिलता है। कुछ देर बाद वो उठी और बेडशीट तह लगा कर वार्ड बोर्ड में दोबारा रख दी और खुद लॉन में नीचे आ गई। वो नंगे पांव घास पर चलने लगी। उसने बहुत अरसे बाद सुबह का रोशन आसमान को देखा था। बहुत टाइम बाद सूरज की निकलती हुई सुनहरी शुआओं को देखा था। वो हैरान होकर वो मंजर देख रही थी। कुछ देर बाद माली बाबा को देखने लगी, जो इंतहाई दिलकश तरीके से पौधों को संवार रहे थे। बीबी जान ने रुताब को देखा तो उसके पास आ गई। वो सलीके से सफ़ेद दुपट्टा लपेटे हुई थी। अरे मेरी प्यारी बेटी, आज जल्दी उठ गई, कैसी तबीयत है अब? उन्होंने बहुत प्यार से पूछा। जी बेबी जान, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होएं, उसने प्यार से जवाब दिया। वो क्या बताती उन्हें कि वो किस दर्द में किस कुर्ब में मुबतला है। बेबी जान ने कहा, आओ मेरी जान, मैं नाश्ता करवाती हूँ। रुताब ने कहा, आप चलें, मैं आती हूँ। वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई, अपने रूम में आकर चेंज किया और यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हुई और नीचे आ गई। जब नीचे नाश्ते की टेबल पर आई तो उसके बाबा जान पहले से ही मौजूद थे और कहते, अरे हमारी प्रिंसेस आई हैं, आओ बेटा आओ, आज हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। जहीर साहब ने उसकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया। इन्होंने चाय पीते हुए पूछा, बेटा आप इस वीक फ्री हैं? रुताब ने जवाब दिया, जी बाबा जान मैं फ्री हूँ इस थर्सडे को, खैरियत? उसने जूस पीते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपनी प्रिंसेस के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। तो फिर इस थर्सडे को डन बेटा? इन्होंने बहुत प्यार से पूछा। प्रताप ने जवाब दिया, श्योर बाबा, वाई नॉट, लव यू सो मच बाबा, इसने बाबा से गले लगते हुए कहा। अरे वहाँ बाप बेटी में बड़ा लाड हो रहा है। शहाना बेगम अपने मखसूस स्टाइल में हाफ ब्लाउज वाली साड़ी पहने डाइनिंग टेबल में दाखिल हुई और कहती, हाय डार्लिंग। प्रताप ने जवाब दिया, हेलो मम्मा, कैसी है मेरी जान? फाइन, इसने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। इन्होंने उसकी सूजी और बेरंग चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ रुताब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने सर्द लहजे में बोला, यस मम्मा, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ओके मम्मा, मैं यूनि के लिए लेट हो रही हूँ, सी यू, बाय, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा और अपना बैग उठाए बाहर निकली। जहीर अहमद ने शहाना बेगम से कहा, आपने गौर किया रुताब कितनी खामोश हो गई हैं? इन्होंने जवाब दिया, मेरी तो मुलाकात ही उससे 3 दिन बाद हो रही है, मुझे कैसे मालूम होगा? यही तो बात है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, वो 2 दिन से बीमार है। आप कैसी माँ हैं जिन्हें अपनी सगी औलाद तक की परवाह नहीं? उन्होंने सख्त लहजे में बोला, आपको तो अपनी पार्टीज और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती, शहाना बेगम ने उखड़े लहजे में जवाब दिया। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसके मैं पीछे पीछे थर्ड क्लास मदर्स की तरह फिरती रहूं। ये कहती उठकर चली गई और पीछे बैठे जहीर अहमद ताज्जुब से ये
बात सोचते रह गए। आहिल अपने शानदार ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम में मसरूफ था, जब जैन और आहिल के दोस्त हमजा ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, अरे वाह, यहाँ तो बड़े मियाँ काम में मसरूफ हैं। हम तो समझे थे दो चार हसीनाओं के साथ अय्याशी कर रहे होंगे। हमजा ने कुर्सी संभालते हुए आहिल को ये बात कही। जैन ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे कहाँ यार, ये लड़कियों से 10 गज के फासले पर दूर रहते हैं, पता नहीं हमारी प्यारी भाभी उनके साथ कैसे गुजारा करेंगी, पता नहीं किस प्यारी लड़की के साथ इनके नसीब फूटेंगे, जिन्हें यही नहीं पता कि रोमांस कैसे करते हैं। हाय रब्बा, आहिल ने मसनूई गुस्से करते हुए, क्या तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? जैन ने मासूमाना अंदाज से कहा, तो भैया आप जाए ना ले आए किसी को मेरी भाभी बनाकर, मेरे तो कान तरस गए हैं देवर जी सुनने के लिए। हमजा ने भी जैन के स्टाइल में आगे बढ़ते हुए कहा, जैन सही तो कह रहा है, तो तू कर लेना शादी, तुझे पता है हम दोनों को कितना अरमान है तेरी शादी का। अरे तू भाइयों की बात समझ ना कमीने। उनकी बातें सुनकर आहिल अपना कहकर नहीं रोक पाया। अच्छा भैया, भाभी तो पता नहीं कब लाएंगे, आप हमें अच्छा सा लंच ही करवा दें। अच्छा चलो कमीनों, बगैर खाए पिए तो तुम मेरी जान छोड़ने वाले नहीं हो, आ जाओ नीचे पार्किंग में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये तीनों साथ चले गए। हमजा और आहिल स्कूल से ही बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे पर जान मारने वाले थे। आहिल और हमजा जैन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इसकी बात तो जैन फायदा उठाता था। रोहतांग यूनिवर्सिटी पहुंची तो वो तीनों माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, तो आनियल्स की तरफ लिपकी आ रही थी। रुताब, कहाँ थी यार तुम 2 दिन से, हम लोगों ने तुम्हारा इतना इंतजार किया यार, इतनी कॉल्स की तुम्हें लेकिन तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया, आनियस के गले मिलते हुए बोली। मानी और बासिल भी उसके पास ही आ गए थे। हाय बेबी, कहाँ गायब हो यार, इतना मिस किया हमने तुम्हें, मानी ने कहा। रुताब ने मानी से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, नहीं यार मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं आ सकी। फिर मानी ने कहा, क्या ताबी, एटलीस्ट बंदा कॉल तो अटेंड कर लेता है। फिर बासिल बोला, रात क्लब भी नहीं आई थी तो रुताब ने थोड़े तल्ख लहजे में जवाब दिया, कह तो रही हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं अब झूठ थोड़ी बोलूँगी तुम लोगों से, आनिया बासिल को घूरते हुए बोली। अच्छा चलो गुस्सा नहीं करो यार, चलो क्लास में चलते हैं, एनुअल एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, फिर लेट हो जाएंगे तो सर डांटेंगे। वो चारों क्लास में दाखिल हुए और तो सर क्लास में मौजूद थे और लेक्चर स्टार्ट कर चुके थे। वो चारों भी जल्दी से सीटें संभालते हुए लेक्चर नोट करने लगे। रुताब और इसके तीनों फ्रेंड्स आनिया बासिर और मानी इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के माइक्रोलॉजी बायोलॉजी डिपार्टमेंट की आखिरी सेमेस्टर में जेर तालीम थे। आनिया ने रुताब के कंधे पर हाथ रखकर हिलाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? रुताब ने जवाब दिया हाँ। आनिया ने फिर बोला, मैं पूछ रही हूँ क्या तुम ठीक हो, सब ठीक है ना? आर यू ओके? रुताब ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? फिर आनिया ने उसके उदास चेहरे को देखते हुए बोला, नहीं यार मैं तुम्हें सुबह से नोट कर रही हूँ, तुम जैसे यहाँ होकर भी कहीं और हो। अरे नहीं आनी, मैं ठीक हूँ, तुम्हें वैसे ही फील हो रहा है, चलो आओ कैफे चलते हैं, मेरे दिमाग की दही हो गई है लेक्चर सुन सुन के। चलो आओ यार, और ये दोनों कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं नहीं यार, वो दोनों नोट्स लेने के लिए सर से अभी आ जाएंगे। और वो दोनों कैफे की तरफ बढ़ गए। रात को सब डिनर की टेबल पर मौजूद थे। आहिल कहाँ है, वो घर नहीं आया? शाहसाना बेगम ने पूछा। जैन ने कहा, मेरी बात हुई है भैया से, वो रास्ते में ही होंगे, आप परेशान नहीं हो मम्मा, साकिब साहब ने शरारत से कहा। कभी हमारा भी पूछ लिया करें शाकी बेगम, हम भी आपकी नज़र के तालिब हैं, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आप भी ना बस करें। अरे वाह बाबा, मम्मा शर्मा रही हैं, जैन ने आंखों में शरारत लिए कहा। शाहसाना बेगम ने जैन के कान खींचते हुए कहा, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। तभी आहिल दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी प्यारी मम्मा, और क्या हो रहा है? इसने अपनी मम्मा से गले मिलते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो मेरी जान? मैं भी ठीक हूँ, आइए खाना खाते हैं। वो मम्मा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। आहिल के कमरे का दरवाजा पर कोई दस्तक दे रहा था। यस आ जाइए, आहिल ने सर मोड़ कर देखा तो साकिब साहब खड़े थे। अरे बाबा, आप मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। नहीं यार, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने प्यारे के सर पर सहरा सजा ही दूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो उसके साथ ही बेड के किनारे पर बैठ गए। आहिल ने कहा, क्या बाबा आप भी ना? साकिब साहब ने आहिल को अपने पास बिठाते हुए पूछा। बैठो तो सही, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी बाबा, आप बोलिए ना, क्या बात है? बेटा शादी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मैं ये फैसला कर लूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे बताओ, अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो या किसी से कोई बातचीत है? उसने उनकी बात को काटते हुए कहा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो इन्हें क्या बताता कि उसके दिल में एक परी कब्जा जमाए हुए बैठी है। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक फैसला किया है, तुम्हारे मामू की बेटी रुताब,
माशाल्लाह माइक्रोलॉजी में मास्टर्स कर रही है, फाइनल ईयर में है। तुम्हारी माँ और मुझे उससे बहुत प्यार है। हमने तुम दोनों के बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं इस बात पर? नहीं बाबा, जहाँ आप चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अबू इन्हें क्या बताता कि जिस प्यारी लड़की की बात वो कर रहे हैं वो उसकी सांसों में बसती है, वो उसकी रूह में समाई है, वो उसकी रगों में खून की माने दौड़ती है, जिसकी खातिर वो अपना सब कुछ लुटा सकता है, जिसकी खातिर वो अपनी ज़िंदगी हार सकता है। आहिल, उन्होंने उसे गहरी सोच में घूम देख कर हाथ हिला के पूछा। जी जी बी बाबा जान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जैसे आपकी खुशी। जीते रहो मेरे प्यारे बेटे। उन्होंने उसकी पेशानी पे बोसा दिया और आहिल अपने बाप के चमकते मुस्कुराते चेहरे को देखकर गले लगा लिया। खुश रहो, चलो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। ओके बाबा जी, गुड नाइट।